खबर राजस्थान के डीडवाना से है, जहां डीडवाना समेत नागौर जिले में जारी नहरबंदी और भीषण गर्मी में पानी की मांग के बढ़ने के साथ ही क्षेत्र में अब जल संकट मंडराने लगा है। इसको देखते हुए जलदाय विभाग ने अब प्रभावित गांवों को टैंकर से जलापूर्ति करने का निर्णय लिया है। इसके तहत डीडवाना उपखंड क्षेत्र के 31 गांव में टैंकरों से जलापूर्ति की गई। जलदाय विभाग के अधिशासी अभियंता JK चारण ने बताया कि उपखंड अधिकारी जलदाय विभाग के अधीक्षण अभियंता के निर्देश पर डीडवाना उपखंड के जल संकट से प्रभावित 31 गांवों को चिन्हित किया गया है। इन गांवों में टैंकर से जलापूर्ति की जाएगी। इसके लिए संबंधित ठेकेदारों को टैंकर के माध्यम से पेयजल सप्लाई के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही अत्यधिक प्रभावित गांवों में प्रतिदिन कुछ गांवों में एक एक दिन छोड़कर पानी टैंकर भेजने के आदेश जारी किए गए हैं। पेयजल परिवहन में लगे टैंकरों में GPS भी लगाए जाएंगे, ताकि पानी सप्लाई के सुचारू मॉनिटरिंग की जा सके। टैंकरों पर GPS सिस्टम लगाए बिना टैंकर ठेकेदारों को बिल का भुगतान नहीं करेगा। बता दें, नागौर जिले में नहरबंदी जारी है और इसकी वजह से नोखा धैया से सीमित मात्रा में पेयजल मिल रहा है, जिसके चलते गर्मी के भीषण दौर के बीच जल संकट मंडरा गया है। ऐसे में प्रशासन की ओर से गांवों में अब टैंकर से जलापूर्ति करने की योजना बनाई गई है।